हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग आने वाला है, आई मीन टू से ये व्लॉग जो आने वाला है, ये किसी बर्थडे स्पेशल व्लॉग आने वाला है। किसका बर्थडे? किसको बैलून बुलाना पसंद है यार? मेरा तो सर दर्द हो गया इतने बैलून बुला के। पता चले तो बात करते हैं डेकोरेशन की। तो हमारी डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी थी और गाइस, जैसे कि आप जान रहे हैं, बैलून्स जो फुलाए जाते हैं ना, उसमें ना मुंह दर्द होने लगता है, तो मुंह के सर सभी दर्द होने लगता है। तो ये काफी हद तक बैलून हम लोगों ने फुला दिए थे, और भी थे। खड़ो इस पे, खड़ो इस पे, खड़ो। नहीं, हम लोग बोल गए थे। अब ऐसे पकड़ो। जेठानी से हम मिलके जो डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो डेकोरेशन कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बर्थडे किसका है इस, ये थोड़ा सा पता आपको बीच में पता चलेगा, तो वीडियो एंड तक पूरी देखिएगा। गाइस थोड़ा लुक्स पे मत कमेंट करिएगा, क्योंकि इस टाइम बहुत गंदे गंदे बने थे हम लोग, क्योंकि काम जब होता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता, इतना ज़्यादा थकावट हो जाती है। और गिफ्ट बड़ी माँ ले आई थी, बट गिफ्ट उनको मिल चुका था सुबह सुबह, और मॉर्निंग में गिफ्ट्स मिले थे। फिर ये हमारा तैयारी हो चुकी है, हाँ, खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो ये बन रहा था पास्ता, और बाकी जो खाना बनता है नॉर्मली बर्थडे में, पनीर, छोला, पुलाव, और ये पूड़ी और मीठे में खीर, तो ये सारी चीज़ें दर्श की बर्थडे में बनी हुई थी डिनर के लिए। और शाम का टाइम हो गया था, तो चाय भी बनती जा रही थी, क्योंकि ये सब बनाते बनाते शाम हो ही गई थी, और ऑलमोस्ट उसके बाद ये हुआ कि चलो चाय भी पी लेते हैं उसके बाद, क्योंकि रेडी भी होना था। फिर बच्चे आने वाले थे सारे मोहल्ले के, सारे फ्रेंड्स आने वाले थे। तो ये मैं हो चुकी थी रेडी, और ये रेडी हो चुका था द बर्थडे बॉय अमोक शक्ति पांडे, आई मीन सर दर्श। तो बर्थडे था दर्श। हैप्पी बर्थडे। तो दर्श और दर्श के भाई जी का पहले हुआ फोटो सेशन, उसके बाद सारे बच्चों का आना स्टार्ट हो गया था। फिर बर्थडे पार्टी है तो डांस तो होना ही चाहिए था, तो सारे बच्चे एक एक करके डांस करने लगे थे, और सबसे ज़्यादा तो दर्श और वाशु एक्साइटेड थे डांस से। जैसे आप देखते जाइएगा कि किस तरीके से, फिर दर्श के साथ बड़ी माँ और जो दर्श की बुआ हैं, मतलब पास में ही रहती हैं, वो सब ने मिलकर खूब इंजॉय किया, खूब डांस किया, और बीच में मैंने भी ज्वाइन कर लिया था डांस। तो इसी तरीके से बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन गए थे, बट क्या करें यार, कंपनी तो देनी पड़ती है ना बच्चों को, ना बच्चों को लगेगा लो हम ही डांस कर रहे हैं, ये लोग तो कोई कर ही नहीं रहे हैं। और कुछ लोग वीडियो ऐसे इस तरीके से चलता रहा डांस, और दर्श को देखो, दर्श की कोऑर्डिनेशन, दर्श और वाशु दोनों ही भैया के साथ अपने लगे पड़े थे, सब लोग खूब मस्ती में। और भी एक मस्त सा डांस जो वीडियो के बीच में आने वाला है, उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा, बहुत ही अमेजिंग डांस हुआ था, और बहुत 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 मज़ा आई थी। और सारे छोटे छोटे बच्चे थे, और बच्चे ना बड़े शैतानियाँ करते हैं मतलब, लेकिन मज़ा आती है जब तक बर्थडे होता है, इसीलिए सब बच्चे एक दूसरे के बर्थडे का वेट करते हैं कि जाएं, डांस होती है, पार्टी होती है, और सब कुछ इसी तरीके सबके, कोई कह रहा था मुझे ये वाला गाना बजा दीजिए, कोई कह रहा था मुझे ये वाला सॉन्ग बजा दीजिए, मैं इस पर डांस करूँगा। तो इसी तरीके से सब होता रहा, और ये डांस हो गया, शुरू हो गया था नागिन डांस। ये यहाँ का स्पेशल डांस था, क्योंकि हर बर्थडे में ये एक डांस तो बनता ही है, मतलब लोग कहते हैं ना कानपुर का होता, कानपुर में नागिन, बट नो नो नो, ये लखनऊ में भी बहुत हो गया है पॉपुलर हमारे यहाँ के। इसको देख के छोटी सी बच्ची भी शुरू हो गई थी कि मुझे भी ये करना है डांस। और दर्श का ऐसा, बच्चे खड़े हो गए थे, तो पहले शुरू हुआ फोटो सेशन, उसके बाद दर्श ने अपने दादी बाबा के साथ केक कट किया, और वाशु भी साथ में थे, और वाशु देखो कैसे क्लैपिंग कर रहे हैं, और सारे बच्चे आगे, सारे बच्चे खड़े हुए थे, और दर्श बहुत एक्साइटेड थे, मुझसे कई दिन से पूछा था मम्मा मेरा बर्थडे कब आएगा, भाई जी का बर्थडे तो आ गया, मेरा कब आएगा। तो केक कटिंग के बाद सब बच्चों को बैठा ला, क्योंकि सब बच्चे सोफे पे और चेयर पे बैठ के कोई लड़ रहा था कोई कुछ, तो ये था कि सब लोग अब तक बैठ के आराम से कोल्ड ड्रिंक पियो, तब तक सबकी स्नैक्स की प्लेट्स रेडी हो रही हैं। और कैसा लगा बर्थडे व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखिएगा। और इस तरीके के बच्चों ने स्नैक्स खाया, उसके बाद बच्चों ने डिनर किया, और सुबह